का नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। ये केवल संवाद नहीं अब बॉक्स ऑफिस पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि हर तरफ अल्लू अर्जुन के चर्चे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं दीक्षा नेगी आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे पुष्पा द राइज ने बिना किसी विशेष प्रमोशन के भारतीय बॉक्स ऑफिस विशेषकर बॉलीवुड में आग लगा रखी है। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। इस समय अफरा तफरी का माहौल है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के कारण अनेकों फिल्मों को अपनी रिलीज डेट पोस्टपोन करने पड़े हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज मानो रुकने या झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अनेक बाधाओं के बावजूद 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने केवल 3 हफ्तों में पूरे विश्व भर में 320 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं, जिसमें से लगभग 81.5 करोड़ रुपए सिर्फ हिंदी डब ने कमाए हैं, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने अपनी आवाज दी है। जिस फिल्म का ना कोई विशेष प्रमोशन हो, जिसे ना कोई खास लाइमलाइट दी जाए और स्पाइडरमैन के कारण ना ही कोई ढंग के स्क्रीन स्लॉट मिले, वे इतने विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदी भाषियों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि वह 81 करोड़ रुपए कमा गई, जितना तो शायद चंडीगढ़ करे आशिकी, तड़प, सत्यमेव जयते 2 जैसी फिल्मों का कुल बजट भी नहीं होगा, और जितना तो 2 हफ्तों में अनेकों प्रमोशन और पेड रिव्यूज के बाद भी 83 घरेलू बॉक्स ऑफिस से नहीं कमा पाई। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे संभव हुआ, जैसा हमने पूर्व में बताया था। लेकिन 83 के फ्लॉप होने का एक कारण ये भी था कि बॉलीवुड अब तक अपने ऑडियंस को नहीं पहचान पाई है। उसका ध्यान लगभग साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे में सिनेमा जाने वाले युवक युवतियों तक ही केंद्रित था, यानी कि मेट्रो शहर तक। परंतु यह लोग संपूर्ण भारत नहीं है। बाहुबली क्यों सफल हुई, KGF क्यों सफल हुई, यह पुष्पा क्यों अभी तक चल रही है? इसीलिए क्योंकि इसने मेट्रो का विकी हो या गाँव का चुन्नू, सभी नाता इससे जोड़ सकते हैं। इसी बात को अल्लू अर्जुन जैसे अभिनेता भली भांति जानते हैं, जिनकी भारत भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनकी डब किए गए फिल्मों को लेकर अब इतनी लोकप्रियता है, तो सोचिए जब वे वास्तव में कोई बॉलीवुड फिल्म पकड़ेंगे तो क्या बवाल मचेगा। एक और कारण है अखिल भारतीय फिल्म उद्योग का उदय का, यानी कि पैन इंडिया फिल्म का। 2017 में जब बाहुबली का सीक्वल आया था तो मानो सब कुछ बदल गया था। इस फिल्म ने लगभग हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। यदि दंगल फिल्म की सर्वाधिक कमाई चीन में नहीं होती तो बाहुबली वित्तीय तौर पर कुल राजस्व में भारत की सबसे सफल फिल्म सिद्ध होती, जिसे लगभग 1900 करोड़ रुपए वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। लेकिन ये रीति यही खत्म नहीं हुई। बाहुबली के नेतृत्व में जब तेलुगु उद्योग ने सिलसिला प्रारंभ किया तो कन्नड़ और मराठी उद्योग कैसे पीछे रहते। एक और सैराट जैसी फिल्में रातों रात चर्चित होने लगी, तो वही 2018 में कोलार स्वर्ण खदान के गोरख धंधों पर आधारित KGF का प्रथम संस्करण प्रदर्शित हुआ। कन्नड़ स्टार नवीन राजगौड़ा उर्फ यश के नेतृत्व में ये फिल्म न केवल पूरे भारत में प्रदर्शित हुई, अपितु उसने उसी दिन भारत में प्रदर्शन का निर्णय लिया जिस दिन शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित जीरो प्रदर्शित होने वाली थी। KGF ने अपेक्षाओं के विपरीत न केवल जीरो की नैया डुबाई, अपितु 250 करोड़ से अधिक कमाकर एक अलग पहचान भी बनाई, और आज दर्शक KGF के दूसरे संस्करण के लिए भी बॉलीवुड के बड़े से बड़े फिल्मों से भी अधिक प्रतीक्षारत है। इसे संयोग कहिए या KGF के निर्माताओं की सोची समझी नीति, परंतु KGF का दूसरा संस्करण भी एक महत्वपूर्ण फिल्म के साथ क्लैश कर रहा है, जो आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा है। यह फिल्म प्रसिद्ध फॉरेस्ट गम का भारतीय संस्करण है। ऐसे में पुष्पा के अप्रत्याशित प्रदर्शन से 2 बात स्पष्ट है। एक तो ये कि अखिल भारतीय फिल्मों का वर्चस्व कोई नहीं रोक सकता, और दूसरा कि अल्लू अर्जुन का प्रभुत्व अपने आप में अनोखा है, जिसका तोड़ स्वयं अल्लू अर्जुन के ही पास है। जो व्यक्ति अपने अभिनय और मनोरंजन के बल पर तेलुगु भाषी राज्य तक सीमित ना रहकर पूरे भारत में छा जाए, तो कुछ तो बात होगी उसमें।